नहीं है तो भाजपा की वजह से नहीं है, आपके घर में ज्यादा राशन आ गया तो भाजपा की वजह से, और अभी तो 83 से आपका 98 ही पहुंचा 10 सालों में, तो ये महंगाई हो गई। जहाँ 33 रुपए 71 पैसे से 83 रुपए तक चला गया था वो महंगाई नहीं थी, कि जमीनों के मुआवजे मिल गए, चौधराहट दिखानी है, काम करना नहीं है तो भाई घर आकर के तो रोटी दे। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। पक्ष विपक्ष में लगातार संसद भवन में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, शब्दों का वार जारी है। अब कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था हिंदुओं को लेके, अब इसी पे संविधान बचाने की बात जो विपक्ष कर रही थी अब उसी पे पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछ दिया विपक्षियों से कि भाई संविधान संविधान तो करते हो लेकिन इसमें कितने पन्ने हैं वो तो बता दो। अब इस पे बहस जारी है और लोग क्या बोल रहे हैं वो हम लोगों से जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो अनुराग ठाकुर ने कहा? देखिए, मैं अनुराग ठाकुर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राहुल गांधी जी पिछले 20 साल से सदन में हैं और पिछले 4 महीने से संविधान की प्रतिलिपि लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन आज तक कभी उसको खोल करके नहीं देखा कि उसके पहले पेज पर क्या लिखा है और आखिरी पेज पर क्या लिखा है। आपको किसने बता दिया? मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी को ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का। जब उनसे पेज पूछो नहीं पता, इतना मोटा होता है ये क्या है भाई, कौन सी गाइड का नाम बता रहे हैं? बोला इतना मोटा होता है राहुल गांधी जी ने बोला, कब सदन में इशारा किया, तब राहुल गांधी जी ने, तब अनुराग ठाकुर जी ने कहा था ये ऐसे ऐसे मत बताइए, ये बताइए पेज कितने होते हैं। सबको पता, ये तो कोई भी बता देगा। क्या चीज, कितने पेज हैं तुरंत गूगल। राहुल गांधी जी को नहीं पता ना, राहुल गांधी जी से तो सिर्फ पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछा गया, तो सबसे पूरे विपक्ष से पूछा गया था, पूरे विपक्ष में आपको टैग पूरे मतलब राहुल गांधी को एक चीज, नेता विपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष वही है, नेता विपक्ष तो वही है ना, तो सवाल किससे करेंगे? आपने देखा होगा बैनर्जी को पिछली बार सांसदों को जब सदन से निष्कासित कर दिया गया था तो उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया, अभी भी उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं, सवाल हो रहा है नेता प्रतिपक्ष से और उछल रहे हैं बीच में। अच्छा, उपराष्ट्रपति जी की बात अगर कही है तो हम बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर को आप जानते हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? ओम बिरला जी। अभी ओम बिरला जी हैं स्पीकर? पूर्व में भी वही थे। चलिए, मैं राहुल गांधी जी से इसीलिए तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक चीज बताइए, ना आपसे सरकार चेंज हुई, सुन लीजिए, ना सरकार चेंज हुई, ना प्रधानमंत्री चेंज हुआ, ना रक्षा मंत्री चेंज हुआ, ना वित्त मंत्री चेंज हुआ, ना गृह मंत्री चेंज हुआ, ना रेल मंत्री चेंज हुआ। रेल मंत्री भी वही है, गृह मंत्री भी वही है, वित्त मंत्री भी वही है, रक्षा मंत्री तो चेंज होना चाहिए था या नहीं? नहीं होना चाहिए था। क्यों? अगर बालासोर में इतनी बड़ी घटना हुई और इससे पहले जब कभी घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री, नीतीश कुमार जैसे बहुत सारे रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो फिर सुन लीजिए, मैं उस पर एक चीज कहना चाहता हूँ, होता है कि हम हमारे रहते हुए ये हादसा हुआ है तो हम इस पद के काबिल नहीं है। सुन, एक चीज बताइए, पिछले 10 वर्षों में 678 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और वही 2014 से लेकर 14 तक के 10 वर्ष में 1700 कुछ ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी। आपके पास है डेटा? बिल्कुल है। चलिए ठीक है, हम ये लगाएंगे डेटा, ठीक है, लेकिन जो भी बोलिए सही से बोलिए, नहीं तो गाली सुनेंगे आप। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो सत्य है सत्य है। आप एक चीज बताइए, रेलवे को कवच देने, सुरक्षा कवच देने का कार्य किसने किया? सुरक्षा कवच आए दिन ये कौन सी ट्रेन है? आप मुझे बोलने देंगे तो बताइए, आप मुझे बोलने देंगी? 3500 किलोमीटर के ट्रैक पर लगाए जा चुके हैं, अभी अन्यों पे लगाने का कार्य जारी है। साल में यही काम नहीं, सुन लीजिए, सुरक्षा कवच आपका तैयार कब हुआ पता है आपको? 2020 में। अच्छा, 20 से 4 वर्ष के अंदर। कब से हो रही है? तो उसके ट्रायल्स होते हैं ना, या बिना ट्रायल्स के यही लगा दिया जाए? इतनी जो मान लीजिए जो पटरियां बनाई गई हैं उसी पे आप सुपरफास्ट ट्रेन चला रहे हो, उसी को चलाने के लिए आप 10 ट्रेन लेट कर रहे हो, क्या ये व्यवस्था ठीक है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि फ्रेट कॉरिडोर अलग से बनाया गया, जब फ्रेट कॉरिडोर अलग से बनाया जा रहा है, अभी तक ट्रेनों की जो हाई स्पीड गति होती थी वो 120 किलोमीटर की होती थी प्रति घंटे की, अब 160 पे भी चल रही है ना, तो
राजधानी से तेज जो चल रही है, लोगों का कहना है विपक्ष का भी और जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं समर्थन करते हैं उनका भी ये कहना है कि भाजपा सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, क्योंकि ट्रेनें जो चल रही हैं उसमें जैसे ये क्या नाम है आपका वंदे भारत जो है वो ट्रेन बहुत महंगे टिकट्स हैं, जो गरीब लोग हैं स्लीपर काट दिया गया है ट्रेनों से, वहाँ पे ज्यादातर एसी हो गई है, ट्रेनों की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है, और उसके बाद जो अभी एक तारीख से ही स्लीपर और जनरल के कोचेस दोबारा से बढ़ाए जा रहे हैं ड्यू टू कोविड इनको कम किया गया था, रिचार्ज का पैसा बढ़ गया है, तो वो भूल जाए 399 में 1 GB डाटा मिलता था एक महीने का, 300 मतलब आप सीधे चले जाएंगे 2012-13 पे, उस समय तो स्टार्ट ही हुआ था। सुन लीजिए एक मिनट, 2012-13 में कहाँ स्टार्ट हुआ था, मेरे पास 1995 से मोबाइल जो यूज मोबाइल था, क्या आप नेट यूज कर पा रहे थे? 2004 से नेट यूज कर रहा हूँ, 2004 से नेट यूज कर पा रहे हैं, कोई लोग कर पा रहे हैं, हर जगह नहीं था जैसे अभी है। तो एक चीज बताइए, उस टाइम समय जो वेजेस था वो 8500 कुछ रुपए का था एवरेज, ऑन एवरेज, आज की डेट में 17000 समथिंग का है, कॉस्टिंग बड़ी है, एम्प्लॉय की सैलरीज बड़ी है, सैलरी बड़ी है बिल्कुल। अच्छा, जो मजदूर है उसके उतने ही सैलरी है, लेबर के हैं जो गांव में 250-300 रुपए लेते हैं, यहाँ 500 रुपए ले रहे हैं, आज से एक साल पहले भी उनका 500 था, अभी भी 500। सुन लीजिए, मनरेगा आज भी मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार योजना जो है, आप जानते हो उसमें दिहाड़ी कितनी है? कितनी है? 150 रुपए। अब इस सरकार ने कितनी की है आप बताइए? 170 रुपए। नहीं, 320 रुपए एक दिन का जी। नहीं, गलत डेटा है आपके पास। 90 दिन का कार्य काम देने की बात है। आप एक चीज बताइए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या कोई कंपनी आज आपको ये तो दिख गया? आप तो सैलरी इंक्रीज की बात करें, हम वो जनता से भी पूछेंगे, क्योंकि आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप तो बोलेंगे ही। भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, आप एक चीज, अगर भारत के हित की बात कर दे जो व्यक्ति, वो भाजपा का समर्थक हो गया। सिर्फ भारत की हित की बात कर दे वो भाजपा का समर्थक हो गया। सिर्फ भाजपा करती है। सुन लीजिए, अच्छा अगर भाजपा ये करती है, भाजपा से भारत है? नहीं, भाजपा भाजपा है, भारत से भाजपा है। तो सिर्फ भाजपा ही कैसे उसके राष्ट्रहित की बात कर सकती है? एक जो भाजपा में नहीं है वो राष्ट्रहित की बात नहीं करेंगे? देखिए, जो बॉर्डर पे जो सिपाही है वो भाजपा से नहीं है, क्या वो राष्ट्रहित की बात नहीं? सुन लीजिए, मैंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कौन करता है? कांग्रेस तो नहीं करती एक भारत श्रेष्ठ भारत की। कांग्रेस तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि भारत एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कहा था ना सदन में। इसका क्या मतलब हुआ? यूनियन ऑफ स्टेट है, प्रदेशों का एक संगठन है, देश नहीं है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। तो इसका क्या मतलब, अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स कह दिया तो क्या हो रहा है, क्या गलत है? क्यों, भारत देश नहीं है, हर राज्य एक स्वतंत्र है क्या? यहाँ एकता में अखंडता है, अखंडता में एकता है। राहुल गांधी जी की कांग्रेस नहीं, इस देश के अंदर में दो प्रधानमंत्री थे, एक ही देश में दो प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब होके दिखाए ना, एक भारत एक विधान चल रहा है ना कांग्रेस की सरकार के। सारी चीजें छोड़िए, आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे की बात करें ना, एक भारत तो की हो बात गया, 370 धारा हट गया, मान लीजिए सारी चीजें हो गई, अब फायदा की बात कीजिए ना, कि जनता को क्या फायदा मिल रहा है ये बताइए आप। तो अभी जो रिचार्ज फ्री किए, जिसको रिचार्ज 2016 से 2018 तक जो फ्री यूज कर रहे थे, तब तो नहीं बोलने गया कोई कि हम फ्री यूज कर रहे हैं। तो यही स्ट्रेटजी थी कि पहले कस्टमर बनाएंगे फिर लात मार देंगे, यही था ना, लात मार देंगे। देखिए ऐसा है तो फिर हिम्मत है तो रिलायंस ये छोड़ दीजिए, यही तो है मार्केट, हिम्मत है तो रिलायंस को छोड़िए ना, रिलायंस को छोड़िए, जियो को छोड़िए ना। अब तो इतना एडिक्शन हो गया है लोगों में, भाजपा ने ये भी तो कर दिया। देखिए भाजपा, एक मिनट, आप एक चीज, भाजपा ने कर दिया, हद है यार। अगर आपके घर में खाना नहीं है तो भाजपा की वजह से नहीं है, आपके घर में ज्यादा राशन आ गया तो भाजपा की वजह से। दूध की भी कीमत बढ़ गई है, कर्नाटका में पेट्रोल के प्राइस 3 रुपए बढ़े हैं,
वहाँ तो महंगाई का ढोल पीट रहे थे ना पूरे देश में, 3 रुपए क्यों बढ़ा दिए? कुछ भी चीजें होती हैं राज्य में या केंद्र में, वो सारी चीजें केंद्र से बातचीत करके ही होती हैं। सुन लीजिए, राज्य ऐसे सिर्फ राज्य के पास पेट्रोल बढ़ाने का जिम्मेदार नहीं है। सुन लीजिए, राज्य के पास आप बताइए ना कैसे, उन्होंने अपना सेस बढ़ाया है ना, केंद्र ने तो अपना सेस नहीं बढ़ाया, और GST में लाने की बात कर रहे हैं पिछले। अच्छा, आपको कर्नाटक का वो दिख रहा है ना आपको, लेकिन पूरे केंद्र का नहीं दिख रहा है। क्या चीज? जैसे दूध पे प्राइस बढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस या विपक्ष की सरकारें हैं किसी भी राज्य में, आप मुझे पेट्रोल 100 रुपए से नीचे बता दीजिए, मैं भाजपा के शासित प्रदेशों में बता दूंगा कि कहाँ कितने रुपए है। कितने रुपए बताइए आप? उत्तर प्रदेश 96, राजस्थान 98। 2014 से पहले कितना था? 2014 से पहले तो फिर 2004 में कितना था? 35 रुपए, 33 रुपए 71 पैसे था। इतनी ज्यादा जल्दी से बढ़ना चाहिए? देखिए, 2004 से और 14 के बीच में 83 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया था, और अभी तो 83 से आपका 98 ही पहुंचा 10 सालों में, तो ये महंगाई हो गई। जहाँ 33 रुपए 71 पैसे से 83 रुपए तक चला गया था वो महंगाई नहीं थी, ये डबल स्टैंडर्ड। भाई काम करते हैं? हाँ, पेट्रोल पंप पे काम। महंगाई है, बहुत महंगाई है। पेट्रोल पंप पे काम करते, पेट्रोल की बात, बहुत महंगाई है। कितना जिम्मेदार? हद से पार है। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप एक चीज बताइए, इक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदार। आज की डेट में आप सब्जियों की रेट ले लीजिए, टेलीकॉम ले लीजिए, ये जो रेट बढ़ रहे हैं कौन बढ़ा रहा है? स्टेट बढ़ा रहा है, सेंटर बढ़ा रहा है? अभी इनसे एक चीज पूछता हूँ, सुन लीजिए। आज कितने का? हाउ मेनी रिचार्ज? 2013 में। अरे आप 149। कंपैरिजन करना सीखिए। क्यों छोड़ दें? 399 में 1 GB डाटा मिलता है, 299 में 1.5 GB डाटा पर डे मिल रहा है, 2 GB डाटा पर डे मिल रहा है, वो नहीं दिख रहा है। एक चीज बताइए, मानसून के दौरान में सब्जियों का उत्पादन उनका ट्रांसपोर्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हर साल मानसून के समय में आलू के रेट देख लीजिए, प्याज के रेट देख लीजिए, ये कहाँ के हैं? ये हमारे घर में तो बनते हैं या इंडिया से बाहर से आते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, बताओ मुझे। हैं प्याज कहाँ होता है? अरे मेरे भाई साहब, मेरे बड़े भाई, टमाटर कहाँ से आता है? बाहर से आ रहा है। अरे मेरे भाई, अरे छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब, पहले आप मत बोले, पहले बोलने दो मुझे, फिर आप बोलना, आप बोलने दीजिए, ठीक है? मैं एक आम आदमी हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम झेल रहे हैं चीज़ों को। एक दिन की सब्जी पता है कितने की आपको? एक दिन की सब्जी कितने की है आपको पता है? क्यों नहीं पता? क्या कितना कितना मिलता है? एक मजदूर को कितना मिल रहा पर डे? 500 रुपए की दिहाड़ी है। 500 रुपए दिहाड़ी में वो घर चला लेगा? बताओ ना। 200 रुपए में चला रहे थे। कौन चला रहा है? आपको यही नहीं पता 500 रुपए दिहाड़ी है या नहीं है? आपको डेली वेज ही नहीं पता आपका क्या है? डेली वेज क्या, आप कितना है आपको बताओ ना, आप हो ना। अरे मुझे पता है इसलिए कह रहा हूँ, 669 मिल रहा है पर डे का, एक गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। आप मेरे से पूछो, 669 पर डे मिलता है वो? तो अगर आपको 669 रुपए में 69 रुपए मिल रहा है पर डे का, दूध बेचारा खरीदेगा है, आलू खरीदेगा 50 रुपए किलो, प्याज हो रहा है 50 रुपए टमाटर हो रहा है, आलू हो रहा है 50 रुपए किलो, बताओ छोड़ो मुझे। अरे भाई तुम्हें नहीं पता, एक सिंगल आदमी की वैल्यू नहीं है इस टाइम, पूरे फैमिली को देखना पड़ता है, आए समझ में? एक फैमिली में कितने लोग कैलकुलेट करते हो? जो काम कर रहे हैं एक घर में लोग कैलकुलेट करते हो आप? एक घर में 4-4 लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक में एक भी नहीं है भैया। ये बताओ, जॉब कहीं नहीं है? जॉब कहीं नहीं है इस टाइम? 4 है उनकी गलती है या उस 4 घर में? आप मुझे बताओ जॉब कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कह रहे हैं पढ़ो ये नहीं नौकरी मिल जाएगी। कौन कह रहा नहीं पढ़े लिखे? बहुत पढ़े लिखे घूम रहे, क्यों नहीं मिल रहा? नड़ा वो तो ठीक है, मतलब भाई की बात, मतलब जो भी आपकी बात है, बाकी रही बच्चों की बात, वैकेंसी नहीं कहाँ निकालते हैं यूपी? अरे भैया वैकेंसी नहीं आ रही, कुल मिला की बात करते हैं, इसको जाना चाहिए। और बाकी बात रही, कहना इनका भी ठीक है, खैर मतलब अकेला, मतलब अकेला बंदा खुद को देख के नहीं चलता, उसे फैमिली देखनी पड़ती है। वो भाई कम दो चार तो करोगे यार? कह रहे वैकेंसी की बात, वैकेंसी निकालती नहीं है। देखिए एक चीज बताइए, इतनी कम वैकेंसी आ, अब UPSC का ले लो। अरे जो है वो तो निकालोगे, जब कोई तो पी रहा होगा, नहीं पी रहा, ये जो बात कर रहे हैं इनको आप क्यों बोल रहे हो? एक के साथ एक फ्री वाले बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अरे भाई इन्होंने क्या कहा, ये पौवा पीने वाले आपको दिख रहे हैं? नहीं मैंने तो नहीं कहा। ना भैया ऐसी बात नहीं, पौवा हुआ नहीं, नहीं। अगर युवा आपसे सवाल कर रहा है कि वैकेंसी खाली है, वैकेंसी निकालो, तो आप कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी चाहिए, जितनी खाली है उसको तो भरो। देखिए एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर में
डीटीसी बसों की क्या स्थिति है? क्या सिर्फ और सिर्फ रोजगार की जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है? नहीं, राज्य की भी होती है। बिहार में देखिए, आया तेजस्वी यादव ने दिया बहुत ज्यादा। मैं भाई की बात से एग्री हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अब मैं यूपी की बात करता हूँ। नहीं नहीं, मैं मतलब कह रहा हूँ, मैं नहीं 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 नहीं, बात तो सुनो, हरियाणा की बात कीजिए ना। भाजपा सरकार कहाँ से आ गई? मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपको पता भी 60,000 वैकेंसी निकली है? भगवान, अभी निकली है, अभी निकली है। उससे पहले क्या था? उससे पिछले साल, उससे सबसे ज्यादा बेरोजगारी सर्च करेंगे ना तो हरियाणा नंबर वन पे। हाँ, 25%। तो फिर एक चीज तय करना नहीं चाहेंगे, मुआवजे का पैसा मिला हुआ है, अब करना ही नहीं चाह रहे हैं। जिसको जमीन के मुआवजे का पैसा मिला हुआ है, चौधराहट दिखाएंगे तो भैया घर आकर के तो नौकरी नहीं मिलेगी ना, काम तो करना पड़ेगा। महंगाई है भाई साहब। बिल्कुल महंगाई है। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार भारत सरकार है। भारत सरकार है जी। इनसे पूछे सवाल। देखिए एक चीज बताइए, महंगाई के लिए जिम्मेदार सिर्फ क्या भारत सरकार है? क्या सिर्फ महंगाई के लिए जिम्मेदार बेरोजगारी है? बेरोजगारी भी है, लेकिन जो भैया ने कहा वो सत्य है। ये कि जैसे हरियाणा पूरे स्टेट में नंबर वन पे है बेरोजगारी में, और स्टेट नहीं है। देखिए हरियाणा नंबर वन है तो एक्चुअली वहाँ का रीज़न ये है कि जमीनों के मुआवजे मिल गए, चौधराहट दिखानी है, काम करना नहीं है तो भाई घर आकर के तो रोटी दे। हरियाणा के बारे में आप? हाँ, मैं पूरे हरियाणा के। और मैडम आपको शायद बता दूं जानकारी के लिए, मैं भी हरियाणा से ही आता हूं, बट मैं बेरोजगार नहीं हूं। आप हरियाणा से कहां से? फरीदाबाद से आता हूं। पूरा बताऊं? हरियाणा से आती हैं। अच्छा, बल्लभगढ़ से। अच्छा, मैं वैसे प्रयागराज से बिलोंग करता हूं। तो आप उस चीज को समझिए, भाजपा सरकार को लेके कुछ कहेंगी? नहीं, भाजपा सरकार कोई गलत नहीं है। कांग्रेस को लेके कुछ? अरे मोदी जी कैसे लगते हैं, काम कैसा लगता है? काम तो अच्छा है, नंबर वन। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहेंगे? उनकी तो बात ही मत करो, उनकी बात ही नहीं करनी। नहीं, आपको मैं बताऊं, विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। जब उनको सदन में नीट पे बोलने का मौका दिया जाता है तो हिंदू हिंसक पे बोलने लगते हैं, ये भी देश ने देखा है। आजकल हाथरस में एक बाबा है, हाथरस में टूरिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अच्छा, अभी जो वहाँ पे हो रहा है बाबा वाली कांड, इसकी जिम्मेदार आप विपक्ष को मान? नहीं, मैं राहुल गांधी को, सॉरी, मैं इसको, मैं ना विपक्ष को ना मान रहा हूँ ना पक्ष को मान रहा हूँ। वहाँ के जो आयोजक हैं और वहाँ का जो लोकल प्रशासन, अभी तक यूपी सरकार ने क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया? अभी आप सुनेंगे, आप देख रहेंगे कि जैसे ही उत्तर प्रदेश हाथरस में एक कांड होता है, उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप कैंप कीजिए, वहाँ पर लोगों की सहायता कीजिए। इसमें जिम्मेदार 2 लोग हैं। कौन? एक तो लोकल प्रशासन, जिसने 80,000 की परमिशन दी और जैसे ही 2.5 लाख की भीड़ होती है उस परमिशन को रद्द नहीं करते, उस आयोजन को रद्द करने का कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद वहाँ के आयोजक, जिन्होंने 80,000 की परमिशन लेकर के 2.5 लाख लोगों को एकत्रित होने किया, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। आप यूपी सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? यूपी सरकार ने एक्शन लिया ना। क्या लिया? बाबा जेल क्यों नहीं गए? बाबा जेल जाएंगे, टेंशन।